This conference will now be recorded. तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। और वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग की हमारी पहली क्लास है और एक क्लास है मुनीष सचदेवा जी का। प्रवीण जी, विशाल जी, आपने आज ए डेमो ज्वाइन किया है, इसको आप जॉब कीजिए। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइनिंग प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की। सबसे पहले जानिए वीवीए है क्या, उसका बेनिफिट्स क्या है और उसकी मदद से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। क्या मतलब है क्या वीवीए, कौन सा तोप है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि हमें बहुत सारे लड़के कॉल करते हैं और आप लोग भी मन में शंका होगा कि हमारी कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड तो है नहीं, और बगैर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड का क्या हम वीवीए को सीख सकते हैं। सबसे पहले इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए, अगर आपको एक्सेल की नॉलेज अच्छी है, अगर आपको एक्सेल की नॉलेज अच्छी है तो आप जो है इस वीवीए प्रोग्रामिंग को इजीली सीख सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा अगर आपको पहले से प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड होगा तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, कंसेप्ट इजी समझ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि वीवीए प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है तो आप वीवीए नहीं समझ पाएंगे। आप वीवीए समझ पाएंगे, लेकिन इसको आप समझिए एक लैंग्वेज की तरह। जैसे कि आप इंग्लिश सीखते थे, आप बंगला सीखते हैं, उर्दू सीखते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हैं, तो उस लैंग्वेज की तरह सीखे। और आप ये मत समझे कि हमें इसमें प्रोग्रामिंग बनाना है, आप समझे कि हमें एक्सेल को अपना आदेश देना है, उनसे हमें बातचीत करना है। एक्सेल हमारा असिस्टेंट है और हम उनको इंस्ट्रक्शन देना है काम करने की, तो उसकी लैंग्वेज में देना है, तो आप इजिली इसको सीख जाएंगे। अब बात करते हैं वीवीए पे। देखिए, वीवीए अगर हम बात करें वीवीए की, तो वीवीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। और इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो VV6, जो VV6 आते थे पहले, प्रोग्राम VV6, वीवी स्टूडियो जो होता था, उस VV6 से इंस्पायर है। और बहुत सारे प्रोग्राम अगर कंपेयर करें तो 40-50% प्रोग्रामिंग जो है VV6 से ही मैच करती है। तो अगर VV6 आपको आ रहा होगा तो आपको और इजीली इसको सीख सकते हैं, पहले से दूसरी चीज। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं कि आखिर हम वीवीए से बनाएंगे क्या और उसका इस्तेमाल क्या होगा। हम वीवीए से बनाएंगे सबसे पहले मैक्रोज। अब एक चीज ध्यान लीजिए, आप कुछ बच्चों के पास कंफ्यूजन होता है कि हम जो रिकॉर्ड करते हैं मैक्रो, वो रिकॉर्ड मैक्रो को हम मैक्रोज कहते हैं, जो हम कोडिंग करते हैं उसको हम वीवीए कहते हैं। एक गलत है, ऐसे फोन्स मेरे पास आते रहते हैं, तो ये चीज को पहले क्लियर कर लीजिए कि ये पूरा का पूरा गलत है। वीवीए एक लैंग्वेज है और उसके जरिए हम मैक्रो बनाते हैं। और रिकॉर्डिंग मैक्रो क्या करता है, वो आप जो मैनुअल प्रोग्रामिंग करते हैं उसको ऑटोमेट कर देता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे H1 में नेम लिखने का कोड लिखना है, तो अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो रिकॉर्ड क्या करे, आपने रिकॉर्ड में क्या किया कि आपके जो माउस एक्शन है, जैसे यहाँ पे माउस एक्शन और कीबोर्ड एक्शन को कन्वर्ट कर देता है वो वीवीए कोड में। आप अगर इसकी एडिट करके कोड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक कोड। आप प्रोग्राम करोगे, आप खुद से लिखोगे, फिर भी आप यही कोड लिखोगे, ऐसा ही कोड लिखोगे, यही तो नहीं, ऐसा ही कोड लिखोगे। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर, रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं तो उसमें कुछ पूरी अलग लैंग्वेज होती है और अलग चीजें होती है, जब हम कोड करते हैं वो अलग होती है। जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर इस मैक्रो कोड करेंगे, इसी मैक्रो को, रिकॉर्ड मैक्रो को, तो हम सिंपल मैक्रो डिक्लेयर किया और सिंपल लिखेंगे कि रेंज H1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम। मुनीश जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, लग रहा है आपके माइक में कोई प्रॉब्लम होगा। ऐसे भी आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करके कुछ ट्राई कीजिए, अगर दिक्कत होती है तो आप सेम ऐप से। नहीं, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मुनीश जी, आपके माइक में हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो आप एक काम और कर सकते हैं कि सेल फोन पे सेम रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर लें, सेम गुटोमेटिक ऐप डाउनलोड कर लें और ज्वाइन कर लें, वहां से आवाज आ सकती है।
हो सकता है आपके माइक में प्रॉब्लम है। और गो टू मीटिंग ऐप डाउन से आज क्लास लेने का पर्पस यही है, क्योंकि हमें लंबी क्लास जो भी लेते हैं गो टू मीटिंग से ही लेते हैं सर। कोई बात नहीं, अगर कोई आज थोड़ा सा थ्योरी है तो आज हम वीवीए प्रोग्रामिंग आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो थ्योरी पार्ट है तो कोई खास नहीं है। तो कोई डाउट होगा तो चैट कर लीजिएगा। तो हम अब यहाँ पे देखिए कि हमने जब रिकॉर्डिंग किया तो रिकॉर्डिंग करते समय ये 3 लाइन का कोड बना, जब हमने लिखा तो एक कोड बना 1 लाइन का। क्यों? बेसिकली जब रिकॉर्ड होता है तो वीवीए की ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है। जब हम कोड करते हैं तो जरूरत भर की चीजें लिखते हैं। एग्जाम्पल दैट कि अगर आपको बॉस से छुट्टी मांगना है तो अगर आपको मान लीजिए कि मौखिक रूप से मांगना है तो आप जाके बोलोगे कि बॉस कल मैं नहीं आऊंगा, मुझे फलाना काम है। बस 1 लाइन बोलोगे कि बॉस मैं कल नहीं आ रहा हूं, कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन इसी चीज को अगर आपको लिखित रूप से देना है तो थोड़ी आप एक पेज पे लिख के दे दो कि बॉस आज मैं नहीं आ रहा हूं, लेकिन मुझे डॉक्टर के पास जाना है। आप उसके एप्लीकेशन का जो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, पैटर्न होता है, उसको फॉलो करोगे कि टू लोकेशंस, डियर सर, और फिर थैंकिंग फला वगैरह वगैरह, यू हैव फुली फेथ, योर फेथफुली वगैरह वगैरह लिखेंगे आप। सेम उसी तरह से जब वीवीए कोड करता है तो, जब वो रिकॉर्डिंग माइक्रो वीवीए के कोडिंग करता है तो अपनी पूरी ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है। और जब हम कोड करते हैं तो हम जरूरत की चीजें लिखते हैं, बस ये सब को फर्क नहीं है। तो वापस बैक टू टॉपिक, तो मैक्रोज क्या होता है? मैक्रोज होता है ऑटो पायलट। जैसे अभी भी प्रवीण जी से हमारी बात हो रही थी कि प्रवीण जी के पास एक फोल्डर में 100 फाइलें हैं और 100 फाइलों को नाम चेंज करना है और फिर 100 फाइलों को 100 अलग-अलग लोगों को मेल करना है। अब इसके लिए वो मैनुअल एक-एक करेंगे कि एक-एक फाइल को रिनेम करेंगे, फिर एक-एक मेल को कंपोज करेंगे, उनको उठाएंगे और फिर उसको सेंड करेंगे। क्योंकि अगर मेल मर्ज करते हैं तो मेल मर्ज में आपका अटैचमेंट नहीं होता है, अटैचमेंट की फैसिलिटी नहीं होती है। तो इसलिए हम वीवीए के थ्रू जाएंगे, नॉर्मल करेंगे। तो इसी सारे पैटर्न को आप लिख दोगे कि वाइल फाइल को रिनेम करो, इस कस्टमर की ये फाइल है उसके हिसाब से उठाओ, ऑटोमेशन आप कर दोगे, डायनेमिक कर दोगे, उठाओ और मेल भेज दो। आपने कोड कर दिया, कोड करने के बाद नेक्स्ट टाइम जस्ट आपको मैक्रोज पे जाना है और अपने मैक्रोज को ट्रिगर कर देना है। वो सारा काम जो खुद कर देगा आपको, उसके लिखे हुए पैटर्न उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। और आप जिस जितने देर में करेंगे उससे 1000 टाइम्स, उससे भी ज्यादा टाइम फास्ट कर देगा। मतलब कि घंटों का काम वो सेकेंडों और मिनटों में कर देगा। तो मैक्रो इससे ऑटो पायलट, जैसे कि एक प्लेन को जो कोड होती है उस कोड के बिहाव से अपने फ्लाई करता है, उसी तरह से जो कोड आप इसमें डालोगे उसके हिसाब से आपका रन करेगा। तो उसके बाद वीवीए के जरिए हम मनाते हैं फंक्शन। फंक्शन को हम लोग फॉर्मूला कहते हैं, जो एक्सेल का जो फॉर्मूला होता है ना, जैसे कि वी लुकअप, एच लुकअप, ऐसे फॉर्मूले हैं। ऐसे फॉर्मूलेज हम खुद के फॉर्मूलेज फंक्शन की मदद से क्रिएट करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि कैसे, हाउ कैन। तो हाउ कैन को बाद में छोड़ते हैं, पहले समझते हैं क्यों। क्योंकि ऑलरेडी एक्सेल में इतने सारे फॉर्मूलेज हैं जो कि हम नहीं जान पा रहे हैं, और ऊपर से और नया फॉर्मूला बना लें। देखिए, फंक्शन का इस्तेमाल होता है फॉर्मूले को, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले को सिंपलाइज करना, खुद के सिंपल फॉर्मूले बनाने से। मान लीजिए वी लुकअप है आपका, तो वी लुकअप के 2-3 खामियां हैं। पहला कि वो लेफ्ट टू राइट ही जाता है, राइट टू लेफ्ट नहीं होता है। तीसरा, रिपीटेड वैल्यू में सिर्फ वो सिंगल को उठाएगा, रिपीट नेक्स्ट रिपीट वैल्यू को नहीं उठाएगा। तो ऐसे आपको, आप मान लीजिए आप ये चाहते हो कि मैं सबसे लास्ट वैल्यू निकले। मान लीजिए एक कॉलन में अगर श्याम 10 बार आ रहा है तो मुझे 10वां श्याम चाहिए, लेकिन वी लुकअप क्या करेगा कि पहला श्याम देगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम वीवीए की मदद लेंगे, एक नया फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट वी लुकअप के नाम से एल वी लुकअप के नाम से लगाएंगे, और उसको उसमें जाकर प्रोग्राम करेंगे कि भाई श्याम लास्ट वाला चाहिए हमको, फर्स्ट वाला नहीं चाहिए, और आपको दे देगा। तो आपका काम हो गया।
तो इसी तरीके से आपको जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए आप अपना फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और आपका फंक्शन सिर्फ एक्सेल के लिए नहीं, आपको माइक्रो में भी हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको माइक्रोज में आप एक रिपोर्ट को ऑटोमेट कर रहे हो जिसमें 10 पन्नों का कोडिंग आपने लिखा हुआ है, उसमें से एक 10 लाइनों की कोडिंग ऐसी है कि वो आपको 5 बार या 7 बार रिपीट हो रहा है, तो आपको 10 लाइन की कोड को 7 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे कि उस 10 लाइन को कन्वर्ट कर देंगे फंक्शन में, और फंक्शन में करेंगे और फंक्शन से आपका बन जाएगा। ओके, मुनीष सचदेवा जी बोला कि लास्ट वीलू का मैक्रो कैसे बनाएंगे। चलिए, आपने रिक्वेस्ट किया है और आपने पहला रिक्वेस्ट किया है, चलिए हम पहली मैक्रो आपके साथ बनाते हैं कि लास्ट वी लुकअप हम कैसे लगाएंगे। चलिए, मैं लास्ट वी लुकअप का मेथड, मतलब कि उस तरह का फॉर्म, उस तरह का हम वीवीए प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बना के बताता हूँ। मेरे पास डेटा है और हम यहाँ पे सेल्स दे देते हैं। अब इसमें देखिए, पूजा हमारा कई बार रिपीटेड है, या नीरज भी कई बार रिपीटेड है, हर नाम कई बार रिपीटेड है, ये हमारा डेटा हो गया। कॉपी एंड हमने इसको वैल्यू पेस्ट कर दिया। और फिर मैं यहां पे देता हूं नेम, और मान लीजिए मैं यहाँ पे मोनी लिखता हूँ, और मुझे मोनी लास्ट वाले मोनी का रिकॉर्ड चाहिए यहाँ पे। हालांकि हम फॉर्मूले के थ्रू भी एरे फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, लेकिन एरे फॉर्मूला भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो चलिए हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन हमेशा मॉड्यूल्स में आप बनाइएगा। फंक्शन हमने एल वी लुकअप के नाम से फॉर्मूला बना दिया। अब इसके अंदर में इनपुट्स, तो इनपुट्स में हमने बोल दिया कि नेम एन एज ए, हमने बोल दिया स्ट्रिंग होना, मतलब कि वेरिएंट वेरिएंट रहेगा। सही, क्या होना चाहिए इसमें, आर एज ए रेंज एंड सी एज ए इंटीजर, ये हमने डिफाइन कर दिया। और सॉरी, फंक्शन का स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब यहां देखेंगे आप तो यहां पे आपको एल वी लुकअप नाम का फॉर्मूला दिख जाएगा, जिसमें हम ए मोनी को सेलेक्ट किया तो मोनी चला गया एन की, मोनी इक्वल टू एन, F3 की वैल्यू इक्वल टू एन, और उसके बाद हमने रेंज को सेलेक्ट किया, रेंज इक्वल टू आर, और यहाँ पे 1 दिया, 1 इक्वल टू आपका सी। तो 1 क्या है, कॉलन के, मुझे इसकी अगले कॉलम की वैल्यू चाहिए। अब इसमें हम, हमारे पास डेटा हमें मिल गया, अब हम इसकी प्रोग्रामिंग यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिम के एज ए रेंज 4 H के इन आर, इफ के डॉट वैल्यू इक्वल टू एन, देन वी लुकअप का रिजल्ट इक्वल टू होना चाहिए के डॉट ऑफसेट सेम रो और सी कॉलम डॉट वैल्यू, और यहां पे एंड। अब यहां देखिए, यहां अच्छा, हाँ, यहां पे हमने नेक्स्ट एक लाइन छूट गया था इसलिए देख कर दिया। सॉरी, आर के होगा ना। थर्टीन, तो मोनी आपका सबसे लानी चाहिए, यह आपका 13 है। मैं यहाँ पे 130 कर दूं तो आप देखेंगे, अभी अपडेट हो जाता है, लेकिन लग रहा है कि कैलकुलेट नहीं हुआ है, वरना ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। मेरे एप्लीकेशन में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, बनाए खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाता है।
नहीं हुआ तो इस पर डबल क्लिक करके एंटर मार दीजिए, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ चेंज करो, आप यहाँ पे उदय कर दो, आ गया, ओम कर दो, तन्नु, समझ में आया सर मुनेश जी? तो हमने सिंपल सा कोड बना लिया। तो ये आपका फंक्शन का काम होता है। फंक्शन के बाद अगला पार्ट हमारा आता है, वो आता है यूजर फॉर्म का। यहाँ यूजर फॉर्म क्या करता है? यूजर फॉर्म का काम होता है इंटरफेस तैयार करना। जैसे मान लीजिएगा आपने किसी पे क्लिक करते हो तो इस तरह का पॉपअप आता होगा, तो इस तरह का पॉपअप बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूजर फॉर्म का। इंसर्ट, यूजर फॉर्म पे जाइए, ये आपका यूजर फॉर्म आपको यहाँ देखिए इस तरह का आपको पॉपअप बना देगा। इसमें जो भी चीजें आप देंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे दिया ना टूल्स, उठा के डालेंगे वो वर्क करेगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम माइक्रो बनाते हैं ऑटो पायलट के लिए, उसके बाद हम फॉर्मूला बनाते हैं जो कि एक्सेल की फॉर्मूले को सिंपलाइज करता है और साथ में माइक्रो को भी हेल्प करता है, और फंक्शन बनाते हैं इंटरफेस के लिए, ताकि माइक्रो अगर कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सारे इनपुट्स हैं, बहुत सारे ये हैं, तो उस केस में हमारा यूजर फॉर्म इजीली इंटरफेस करे ताकि वर्क करे। ठीक है सर, विशाल जी कोई डाउट इसमें आपको? अभी तो ठीक है, चल रहा है, अभी तो कुछ डाउट नहीं लग रहा है। हाँ चलिए, तो अब इसमें ये हो गया हमारा तीन चीजें। अब बात करते हैं कि हम माइक्रोज कब बनाएंगे और माइक्रोज बनाने से क्या पहले करना होगा। सबसे पहले जानिए प्रिपरेशन ऑफ द स्टार्टिंग द माइक्रो यूजिंग। सबसे पहले आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए, डेवलपर टैब होना चाहिए सबसे पहले, राइट? अब डेवलपर टैब बाय डिफॉल्ट एक्सेल में हिडन होता है, तो उसको लाने के लिए फाइल में जाइए, ऑप्शन पे जाइए, और यहाँ कस्टमाइज रिबन में आके आप डेवलपर टैब ऑन कर सकते हो। दूसरा, आप माइक्रो सिक्योरिटी जो है उसको आप अनेबल कीजिए। माइक्रो सिक्योरिटी मतलब कि बाय डिफॉल्ट माइक्रो डिसेबल विथ नोटिफिकेशन होता है सिस्टम की बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन, इसको आपको एक ही बार चेंज करना है, बार बार नहीं। तो क्यों होता है डिसेबल और क्या दिक्कत होती है उससे? अगर आपका माइक्रो का नोटिफिकेशन डिसेबल है तो आपका माइक्रो बाय डिफॉल्ट जो है वर्क नहीं करेगा, समझे? बाय डिफॉल्ट आपका माइक्रो वर्क नहीं करेगा, मतलब कि आप जैसे ओपन करेंगे तो आपको सिक्योरिटी वार्निंग देगा, और सिक्योरिटी वार्निंग में आप जब अनेबल करेंगे तो आपका वर्क करेगा, आपका इवेंट माइक्रो परफॉर्म नहीं करेगा। अब क्यों होता है डिसेबल? इसलिए डिसेबल होता है कि माइक्रो के रूप में कोई वायरस भी आ सकता है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट डिसेबल करके रखा हुआ है। तीसरा, आपकी जो फाइल है वो फाइल सेव होनी चाहिए यहाँ माइक्रो अनेबल वर्कबुक, क्योंकि बाय डिफॉल्ट होता है वो एक्सेल वर्कबुक में। बाय डिफॉल्ट कहाँ होता है? एक्सेल वर्कबुक में। एक्सेल वर्कबुक मतलब कि डॉट एक्सेलएस एक्स की फाइल, और डॉट एक्सेलएस एक्स की फाइल अगर आपकी है तो आपका माइक्रो परफॉर्म नहीं करेगा, माइक्रो का सेव ही नहीं करेगा, कैरी ही नहीं करेगा, और माइक्रो को डिलीट कर देगा सेव होते ही। तो बार बार हमें यहाँ चेंज करना पड़ता है, ये चीज को भी जान लीजिए आप, बार बार हमें चेंज। तो बार बार सॉरी माफ कीजिएगा सॉरी बार बार आपको जो है इसका सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आप 2 घंटे से मेहनत करके कोई बड़ी सी माइक्रो लिख रहे हैं आप,
और लिखने के बाद आप फाइल आपका फाइल सेव किया, आपने गलती से फाइल को सेव कर दिया एक्सेलस एक्स में, मतलब कि एक्सेल वर्कबुक में। आपका 2 घंटे की मेहनत पानी में गई, मैक्रो डिलीट हो गया, मैक्रो का कैरी हुआ, सेव नहीं हुआ। तो उस केस में क्या करेंगे? तो यहां हम फाइल में ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ सेव होता है, और सेव में यहाँ आपके पास होता है माइक सेट से, यहाँ पे डिफॉल्ट आप सेट कर सकते हो कि आपका फाइल डिफॉल्ट किस लोग इसमें सेव होगा, किस फॉर्मेट में सेव होगा। आप यहाँ से फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। तो दो आपकी प्रिपरेशन है। अब हम बात करते हैं कि माइक्रो किस सिचुएशन में किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं। अब सिचुएशन समझिए। अब माइक्रो हर काम के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा समरी रिपोर्ट आया हुआ है, आपके पास एक छोटा सा समरी रिपोर्ट आया हुआ है और उस समरी रिपोर्ट बनाना है, तो उसको आप नॉर्मली पिवट टेबल से बना सकते हो। तो जब नॉर्मली आप पिवट टेबल से उसको बना सकते हो, तो माइक्रो राइट करके इतना झमेला करने की क्या जरूरत है? तो हम माइक्रोज वहां पे बनाते हैं, वीवी प्रोग्रामिंग वहां पे करते हैं जो काम हमारा लेंदी है या फिर रिपीटेड है। रिपीटेड मतलब वो ऐसे हुआ कि मान लीजिए कि आपको 100 लोगों को डेली मेल करना होता है, तो आप वो मेल करने की कोड बना ले, या मान लीजिए कि आपके पास 100 फाइल डेली आते हैं, उस 100 फाइल को कोलेट करना पड़ता है, इसके लिए आप माइक्रो बना ले। तो आप मान लीजिए एक रिपोर्ट है, उसको आप डेली बनाना पड़ता है एक पर्टिकुलर डेटा पे, तो उसको आप ऑटोमेट कर ले। तो आप फाइल को उस फाइल को ऑटोमेट करेंगे जो फाइल आपका रिपीटेड होगा, उस फाइल पे नहीं करेंगे जो फाइल आपका एक बार के लिए आया हुआ है, इन फ्यूचर में कब आएगा या नहीं आएगा। दूसरा, एक ही ऐसी फाइल जो कि एक ही बार आई है लेकिन काफी लेंदी है, बहुत ज्यादा लेंदी है, अगर आप उसको मैनुअल करने जाएं तो कई महीने, कई दिन, कई घंटे लग सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं इसका भी एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। मान लीजिए कि मैं गूगल खोलता हूं, और यहां पे मान लीजिए मैंने एक कर दिया, ये मान लीजिए कि हमारे पास वेबसाइट का लिस्ट है, हमने इसको कॉपी किया, हम थोड़ा भी कॉपी करते, कॉपी किया और हम इसको एक्सेल सीट पे पेस्ट कर देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि इस वेबसाइट में पूरा का पूरा पाथ नहीं होता है, ठीक है, पूरा का पूरा पाथ नहीं होता है। जैसे देखिए कि इंडिया लिस्ट, अब इंडिया लिस्ट .com है, .in है, .dot क्या है, तो इसके इसके ऊपर हाइपर लिंक लगा हुआ है, जो हाइपर लिंक लगा हुआ है वो हमारा ए है, मतलब कि मेन है, जो हाइपर लिंक लगा हुआ है वो हमारा मेन है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में यहाँ पे हम एक यहाँ पे हमें मान लीजिए माइक्रो इस्तेमाल ना करें तो मैनुअल हमें करना पड़ेगा, एडिट, आई राइट क्लिक, एडिट, और फिर यहां से इसकी लिंक को कॉपी करना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। और इसी काम को मुझे अभी, तो मान लो कि आपको 20-25-50 है, ये हो सकता है कि 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख वेबसाइट आपका लिंक हो, काम आपके पास एक ही बार आया, इसको फिर फ्यूचर में नहीं करना है। बट एक बार काम सोच लीजिए, अगर 1 लाख डेटा पे, अगर आपको 1 लाख डेटा को इस तरह से मैनुअल निकालना हो, तो एक कोड निकालने में तकरीबन आपको लग रहे हैं, बहुत फास्ट करोगे फिर भी 35 सेकेंड तो आपको लग ही जाएगा। तो 35 सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 2,500, 10,000 लाख, और फिर इसको डिवाइड कीजिए आप 60 से, और फिर इसको डिवाइड कीजिए आप 60 से, 9,972, और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 24 से,
मतलब कि 40 दिन कंटिन्यू आप काम करेंगे 24 घंटा, तब जाके एक काम होगा आपका। क्या सर? तो अब इसको वीवी के थ्रू देखिए, मैं कितने शॉर्ट टाइम में, मुझे 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, मैं सॉरी 1 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको करने में, 1 मिनट से भी कम टाइम में इसको मैं कर दूंगा। मैं एक फॉर्मूला बना देता हूँ कि फंक्शन URL एन एज ए रेंज, फिर मैं यहाँ पे देता हूँ URL इक्वल टू एन डॉट हाइपरलिंक डॉट एड्रेस, यानी हाइपरलिंक 0 डॉट एड्रेस होगा, एड्रेस एड्रेस, और यहां पे मैं इसको इक्वल URL इसको सेलेक्ट करूंगा, एंटर मारूंगा, वैल्यू आया, मतलब कि यहां पे 0 नहीं 1 देना पड़ेगा, 1। अब देखिए रिजल्ट आ गया, और इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर दीजिए, ये पूरा काम बिलो 1 मिनट में आपका हो गया और डेटा आ गया। तो ये लेंदी वर्क जो भी हम करेंगे, इस लेंदी वर्क को हम इसी चीज में करेंगे सर। विशाल जी समझ में आया? प्रवीण जी, हाँ सर, मुझे मेरा एक क्वेश्चन है। आपने जो मुझे VBA का ये यूज़ बताया, बेसिकली मेरा मेरा जो पर्पस है वो ये है कि मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, तो मेरा मेरा जो शिफ्ट टाइमिंग होती है, मुझे मॉर्निंग में वो कुछ रिपोर्ट्स हैं जो मुझे सेंड करनी होती है बाय मेल। तो ऐसा है कि मुझे वो फुली ऑटोमेटेड हो जाए कि भाई कुछ रिपोर्ट्स हैं, मुझे उसमें नहीं कुछ करना है कि वो उसमें जो भी मैं उसमें फंक्शन डाल रहा हूँ और वो ऑटोमेट होके बाय मेल चली जाए, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ ऐसे पॉसिबल है, उसके लिए दो चीजें करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने इसका काम किया था, लेकिन काफी दिन पहले किया था। ये हुआ था, मुझे क्या था कि मेरे एक डेटा था, उस डेटा पे मुझे 250 डिफरेंट डिफरेंट एंगल से एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाने पड़ते थे। डेटा हमेशा अच्छा फिक्स होता था, समझे? तो होता ठीक क्या था है। कि 2:30 3 बजे हमारा सेवर चलता था, बेसिकली एक कंपनी थी फेयर पोर्टल, तो सेबल चलता था, और सेबल ऑटोमेटिकली फाइल को सेम नाम और डेट एंड टाइम से डाउनलोड करके एक फोल्डर में रख देता था। जैसे कि आज की डेट है, तो आज की डेट पे फाइलों रख दिया, डेट वाइज फाइल होता है। ठीक है। तो हमने माइक्रो बना रखा था कि 3:15 पे मेरा एक फाइल ओपन हो, मेरा एक फाइल ओपन हो 3:15 पे, और इसके लिए मैंने शेड्यूल टास्क का इस्तेमाल किया था। अच्छा शेड्यूल टास्क के जरिए कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक पर्टिकुलर टाइम पे आप ओपन करवा सकते हैं, समझे? ठीक है। हाँ और मैंने जो फाइल ओपन करवाने के लिए मैंने शेड्यूल टास्क को दिया था, उस शेड्यूल टास्क को मैंने बोला था कि मेरा माइक्रो 1 रन हो, जैसे ही ये फाइल आपका है, तो आप इस फाइल में दे सकते हैं यहाँ पे वर्कबुक में कि जब मेरा वर्कबुक ओपन हुए, तो मेरा कोई पर्टिकुलर कोड या पर्टिकुलर माइक्रो ऑटोमेटिकली रन हो जाए। तो शेड्यूल टास्क सेम एग्जैक्ट टाइम पे एक फाइल को ओपन करता था, ठीक है, ठीक है। और जैसे ही फाइल ओपन होती थी मेरा माइक्रो 1 रन हो जाता था। लेकिन एक काम मैंने किया था XP पे, उसमें मेरे पास एप्लीकेशन XP विंडो था, XP पे किया था। लेकिन शेड्यूल टास्क अभी भी वर्क करेगा, आप देखिएगा, कोई पर्टिकुलर फाइल ओपन करा के देखिएगा, हो जाएगा, क्लियर करता है सर, है? वो करता है, शेड्यूल ट्रांसलेटर काम करेगा। ओके। मेन तो वीवी है सर, वो बनेगा कैसे? माने कि प्रॉब्लम क्या होता है कि माइक्रो तभी वर्क करता है जब आपका फाइल ओपन हो, फाइल क्लोज माइक्रो क्लोज, समझ गए? तो एक एक बंदे को होना चाहिए ना एक्सेल फाइल ओपन करने के लिए। मान लो जो मैं एडिंस भी बना दूं कि जैसे कोई कोई भी एक्सेल फाइल ओपन हो तो टाइम चेक कर ले,
शुरुआत मैंने क्या किया था, मैंने किया था इसमें कि एक एडिंस बना के सिस्टम में ऐड कर दिया था कि जब भी फाइल ओपन हो तो ऑटोमेटिकली सिस्टम का टाइम चेक करे कि अगर 3 बज गया है, 3 से ज्यादा हो रहा है तो माइक्रो रन कर दे। तो प्रॉब्लम क्या होता था कि वो हर बार चेक करता, जितनी फाइल हम ओपन करते थे हर बार वो चेक करता था। तो उसको हटा के हमने सिस्टम कर दिया था। तो सर ये टास्क शेड्यूलर की हेल्प से होगा, टाइम टाइम हाँ, का जो। टास्क शेड्यूल टास्क आपका क्या करेगा, एक पर्टिकुलर फाइल को ओपन करेगा पर्टिकुलर टाइम पे, अच्छा, और जो फाइल आप ओपन करवाएंगे उस फाइल में एक कोड डला होगा, जैसे ही फाइल ओपन हो एक पर्टिकुलर माइक्रो रन हो जाए, उस माइक्रो में लिखा होगा कि आपकी जो रिपोर्ट है उसको कैसे बनानी है। ठीक ठीक है सर। कैसे बनानी है या कैसे भेजनी है, सेंड कैसे करनी है। सर मुझे अगर मुझे डेली बेसिस पे कोई डेटा, मुझे जैसे कोई रॉ डेटा है मेरे पास आता है, मैं उसके बेसिस पे रिपोर्ट बनाता हूँ। हाँ, तो ये मतलब कि मैं ये चाहता हूँ कि डेली वो रिपोर्ट, आप बोल रहे हो कि टास्क शेड्यूल की हेल्प से वो ओपन हो जाए, फिर ओपन होने के बाद में वो जो रॉ डेटा है वहां से रॉ डेटा उठा ले, रॉ डेटा उस फाइल से, और उस फाइल से रॉ डेटा उठा के जो भी मैंने उसमें फंक्शन लगाए हैं, जो भी वीबीए मैंने उसमें लिखी है, वो सब करके वो सब हो जाए और वो किसी को भी मेल चला जाए। हो जाता है, मैंने किया है, मैंने बहुत किया इसको। अच्छा, मेरी एक्चुअली बेसिक रिक्वायरमेंट यही है, क्योंकि मुझे कुछ रिपोर्ट्स भेजनी होती है नाइट में या मॉर्निंग में। हाँ आप ये तभी कर पाएंगे जब आप पूरी प्रोग्रामिंग को समझ पाएंगे, अच्छा, ठीक है ना। ठीक। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है सर। हम वापस आते हैं अपनी थ्योरी पे। हम आपको बता रहे थे कि माइक्रो हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जो फाइल आप किसी को भेजते हैं, मान लीजिए कि आपने एक फाइल एबीसीडी बनाई, वो आपने 50 लोगों को मेल करना है, वैसे फाइल के ऊपर आप किसी भी तरह के वीवीए प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल ना करें। ऐसा इसलिए मुनीत जी कि अगर आप उसमें फाइल में इस्तेमाल करते हैं किसी भी तरह के माइक्रो को, तो माइक्रो सबके पीसी पे रन नहीं होगा, क्योंकि तो आपके ऑफिस में जरूरी नहीं है कि हर कोई बंदा वीवीए को जानता हो, वीवीए यूज करता हो, वीवीए से अवेयर हो। बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जिसने वीवीए का नाम सुना भी नहीं होगा, वीवीए जानता भी नहीं होगा, तो क्या होगा, जैसे उसकी फाइल खुलेगी वहां पे सिक्योरिटी अलर्ट दिखाएगा, वो फाइल को सीधे बंद कर देगा, बोलेगा वायरस है इसमें। या फिर बहुत सारे इवेंट प्रोसेस, आपने फाइल ओपन करने वाला माइक्रोफोन को लगा रखा है, वो उसके पास वर्क नहीं करेगा। बट सर उसके लिए तो बटन बना सकते हैं ना, आप ये बटन प्रेस करिए, काम कर देगा। बटन भी बनाएंगे तभी आपका माइक्रो कोड तभी परफॉर्म होगा जब आपका माइक्रो अनेबल होगा, जी समझ गया। आप कुछ भी करोगे तो कोडिंग तो करोगे ना आप, वो कोड आपका तभी वर्क करेगा जब आपका माइक्रो अनेबल होगा, माइक्रो डिसेबल होगा, तो वो आपको नोटिफिकेशन बार बार देगा, उसको नोटिफिकेशन ओपनिंग करते हैं नोटिफिकेशन देगा अनेबल माइक्रो सिक्योरिटी वार्निंग इस तरह का। तो जो बट सर जानता अगर होगा तो वो अनेबल कर लेगा, जो जानता होगा तो अनेबल कर लेगा, जो नहीं जानता होगा तो फाइल बंद कर देगा ना सर। सर माइक्रो का एडिन बना लेते हैं तो नहीं देना चाहिए ना नोटिफिकेशन। आप कुछ भी बनाइएगा माइक्रो नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। हम आपकी पीसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी और पीसी की जिसने कभी वीवीए, जिसने डेवलपर में जाके आपने माइक्रो सिक्योरिटी अनेबल नहीं कर रखी है। हमने आपको बताया था ना डेवलपर में जाके इस माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना होता है, तो डिफॉल्ट हर जब भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है तो डिफॉल्ट होता है माइक्रो डिसेबल और माइक्रो विथ नोटिफिकेशन, और बहुत सालों के पास तो डेवलपर का टैब ही नहीं होता है। विशाल जी आपके पास है डेवलपर का टैब।
हाँ सर मेरे पास है। बहुत सारे लोगों के पास तो डेवलपर का टाइम ही नहीं होता, क्योंकि डिफॉल्ट तो डिसेबल होता है, उसको जरूरत होगा तभी तो अनेबल करेगा। आप ही बोल दीजिए, आप ही जान जाइए कि एक्सेल में आपके पास इतने कमांड नहीं है। अगर आप फाइल में जाते हैं, ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ कस्टमाइज रिबन पे आइए और यहाँ देखिए कमांड नॉट रिबन, इतने सारे कमांड है जो कि आपके रिबन में अवेलेबल नहीं है। आपने इसको ऐड किया है? नहीं किया है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो ऐड कर लेंगे। सेम उसी तरह से जिसने वीवीएस का यूज कभी किया नहीं है तो माइक्रो को अनेबल क्यों करेगा? वो डिसेबल ही होगा, वो आपको फोन करके बार बार बताना पड़ेगा कि भाई माइक्रो अनेबल कर लीजिए, तो ये आपका माइक्रो परफॉर्म करेगा, तभी काम करेगा। तो इतना झंझट क्यों पालना? हम ऐसे फाइल जो माइक्रो बहुत सारे लोगों को भेज रहे हैं उस पर माइक्रो हम डाले ही नहीं, अवॉइड करें जब तक कि बहुत ही ज्यादा जरूरत ना हो। अबे बहुत ज्यादा जरूरत है कि भाई माइक्रो के बगैर काम ही नहीं हो सकता, मुझे डालना ही पड़ेगा, देन डालिए, बट ऐसे शौक के तौर पे मत डालिए। अगर आप अपने पीसी के लिए माइक्रो इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितना करना चाहो कर सकते हो। दूसरा, आपके ऑफिस के बहुत सारे ऐसे स्टाफ होंगे जो कि मोबाइल पे, वेब पेज पे, सेवपॉइंट पे अपने रिपोर्ट्स को देखते होंगे, तो वेब वर्जन की जो भी स्प्रेडशीट है या एक्सेल है उस पे माइक्रो परफॉर्म नहीं करता है। मान लीजिए गूगल पे आपने मेल किया तो बहुत सारे लोग मेल फाइल डाउनलोड कम करते हैं, रिपोर्ट देखने के लिए उसी पे क्लिक करके व्यू कर लेते हैं। किया कभी आप लोगों ने सर? तो बिल्कुल वहां उस पे तो माइक्रो परफॉर्म करेगा ही नहीं, तो ऐसे माइक्रो को यूज करने से पहले अवॉइड करें। राइट सर, अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग, सीखने के लिए आपको क्या क्या करना है। अगर आप माइक्रो सीखना चाहते हैं, माइक्रो में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो दो चीजें आपके पास होना चाहिए। पहले होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए टाइम। आपको क्लास की जस्ट लाइक माने कि वीवीए या एक्सेल को आप मैथमेटिक्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम होना चाहिए। टाइम नहीं है प्रैक्टिस के लिए तो फिर सीखने में कोई फायदा नहीं है। मतलब जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। आप सोचोगे कि मैं सिर्फ क्लास देख के और मैं सीख जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज रिसर्च, आपको रिसर्च भी करना होगा। अब रिसर्च कैसा? जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एक आपको लूप पढ़ाया, लूप के ऊपर आपको पांच एग्जाम्पल दे दी, पांच काफी है। आपने रिक्वेस्ट किया, फोर्स किया, तो दो एग्जाम्पल मैंने और दे दी, लेकिन ये पांच और सात एग्जाम्पल से आप वीवी एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। वीवी एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 50 एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस करना होगा। ये बाकी के जो 45 एग्जाम्पल है उसको आपको खुद से रिसर्च करना है, अलग अलग सोर्स से, बुक, आर्टिकल, यूट्यूब वीडियोस, गूगल, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड सर्कल्स में जाके एनालाइज करके फिर आपको निकालना होगा। जो आपको समझ में ना आए वो आपको मुझसे पूछना होगा, तभी जाके आप बिकम एक्सपर्ट। ठीक है, दूसरी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए और साथ में एक्सेल की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्सेल की कितनी नॉलेज है वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब भी कोई नई हमारे पास लोग आते हैं पढ़ने के लिए तो उनको हम एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो जो कि तकरीबन 4-5 घंटे की है वो हम देते हैं। उसमें मैंने एक्सेल की बहुत सारी चीजें जो है कवर कर रखी है, तो मैं वो आप लोगों को भेज रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वीडियो पूरा देखें आप। उसमें हो सकता है कि बहुत सारे चीज आपको आता हो, बहुत सी चीज आपको नहीं आता हो, तो जो चीज नहीं आता है उसको बैठ के आप आराम से देख लीजिए, जो चीज आपको आता है उसको स्किप कर दीजिए। तो ये मैं आपको भेज रहा हूँ, मुनीत जी आपको ही भेज रहा हूँ सर।
सर हमें वो वाली फाइल भेज दीजिएगा जो आप भेजने वाले हैं। कौन सी ओके सर, फाइल, ये कौन सी फाइल की बात कर रहे? आपको एडिन भेजा था ना एक्सेल फाइल, तो आपने बोला था उसके लिए हाँ क्या पढ़ना, आपने कुछ बोला था कि मैं आपको आओ, भेजता हूँ। सीडीओ, सीडीओ सर्च कीजिए ना गूगल पे, सीडीओ सिंपल है, CDO बस, CBO सी सर, फॉर कलकत्ता, डी फॉर दिल्ली, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कोई से कोई सिटी तो है नहीं। और मैं भेज रहा हूँ मुनीश जी आपको, सबसे पहले मुनीश, और मैं भेज रहा हूँ प्रवीण जी। प्रवीण जी अपनी मेल आईडी चेक कर लीजिएगा, चेक कौन सा है, PR हो ना प्रवीण, कोई आया नहीं सर। प्रवीण कौन सा है सर, फिर मैं देख लेता हूँ। प्रवीण सिंह डी से ही तो है ऊपर वाला, प्रवीण सिंह जी से ही था। हाँ सर, और आपका आपको हमने भेजा ना सर मेल, उसी पर रिप्लाई कर दीजिए। पहले ठीक है, मैं मैं आपको टेस्ट मेल कोई दे रहा हूँ, बात लिख दिया नाम। विशाल टेस्ट मेल। जी आपकी ईमेल आईडी है, विशाल हाँ सर, विशाल, हाँ यही है, यही है सबसे ऊपर। जाता है, ये लिंक मैंने आपको भेज दिया। और इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो एक लिंक और आप लोग देख लीजिएगा, excel-mba.com। बेसिकली ये मेरा लिंक नहीं है, मेरी वेबसाइट नहीं है, किसी और की है, लेकिन मैंने जब शुरुआत में सीखा था तो काफी ज्यादा बेनिफिट हुई थी मुझे इससे। इसमें कई सारे आर्टिकल हैं, इन आर्टिकल हाँ को एक सर, बार आप पढ़ लो। क्या है सर, URL क्या है, आवाज excelmba.com सिंपल है, याद रहेगा आपको, नहीं आया सर, फिर से बोलेगा। excel-bba.com। स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, ये बाकी चीजें हम फोन पे बात करेंगे, इसको कर लीजिए, फिर आगे हम बात करें। तो ओके बाय, बस नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया है तो मैं एंड करता हूँ मीटिंग।